ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम जिस टॉपिक पे अपना इस वेबिनार को रखे हुए हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यू कैन से द इशू, और यू कैन से द सिग्निफिकेंट थिंग इन आर लाइफ। बिल्कुल इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हम इसमें जो बात कर रहे होंगे एंड द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू द इंटरव्यू, के इंटरव्यू की एक तो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे करियर के लिए, हमारी लाइफ में, और सेकेंडली ये कि उसको किस तरह से आपने वेल प्रिपेयर करना है, बींग ए कैंडिडेट, बींग ए सूटेबल कैंडिडेट, कि उसकी जो स्टेजेस हैं फ्रॉम प्री इंटरव्यू स्टेज टू इवेंचुअली गेटिंग इन साइड द इंटरव्यू, उसमें किस तरह से आपने करना है। जो हम टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे होंगे, ऑब्वियसली उसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे प्री इंटरव्यू स्टेजेस में हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एट टाइम्स हम इग्नोर करते हैं, जब उसे इतना सीरियस नहीं लेते, और इवेंचुअली हमें बाद में एहसास होता है कि वी कुड हैव हैंडल्ड सिचुएशन बेटर। फिर इसमें मूविंग फॉरवर्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब बीइंग कॉन्फिडेंट कितना ज़रूरी है और कितना इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है आपकी सक्सेस बीइंग एन इंटरव्यूई। ओवरकमिंग फियर्स एंड एंग्जाइटी, इसको हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें फिर हम फर्दर क्या हमारा बॉडी लैंग्वेज किस तरह से साउंड करनी चाहिए, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए, हमारे पोस्चर्स एक्सेट्रा, एंड देन द बिगर पार्ट ऑफ ऑल के जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू है वो फिर किस तरह से हमारा कंडक्ट होना चाहिए, उसके मुतालिक जो यूजफुल टिप्स हैं, और यू कैन से द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन और द मेजर्स और बेसिकली द एलिमेंट्स जिन्हें हमें जहन में रखना चाहिए वाइल एंटरिंग यू नो एट द प्लेस ऑफ इंटरव्यू, और उसी के साथ साथ हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये उसी में आ जाएगा। और लास्टली जो है फिर विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, आपका जो भी उसमें आउटपुट हुआ, और इन बिटवीन भी मैं चाहूंगा जहां जहां आई आस्क यू टू कम अप विद योर एक्सपीरियंस और सजेशन किसी टॉपिक को लेके, तो उसमें भी आप जरूर अपना फीडबैक शामिल रखिएगा इस सेशन के, जस्ट टू मेक दिस वेबिनार एन इंटरेक्टिव वन। ऑलराइट, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, इसको हम करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली वंस अगेन नई सुबह की तरफ से मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को यहाँ वेलकम करता हूँ। विद ईद अराउंड द कॉर्नर, काफ़ी लोग ट्रेवलिंग में आउट ऑफ सिटी हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ हैं या जो अभी हमें फर्दर ज्वाइन कर रहे होंगे, मैं अपनी तरफ से और नई सुबह की तरफ से आप सबको वार्मली वेलकम करता हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम आउट टू कम एंड अटेंड दिस सेशन। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम सलमान खालिद फ्रॉम लाहौर, प्रोफेशनली आई एम कॉलेज लेक्चरर, नई सुबह के साथ एसोसिएटेड हूँ फॉर नियरली 2 ईयर्स नाउ, मुख्तलिफ कोर्सेस में मेरी उसमें ऑब्वियसली नई सुबह के साथ बींग फैकल्टी मेम्बर अटैचमेंट है, और उसमें मैं मेनली क्रिएटिव राइटिंग को और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को यहाँ पे कवर कर रहा होता हूँ, और टाइम टू टाइम हम वेरियस इंटरव्यू सॉरी वेबिनार्स कर रहे होते हैं रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सम सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ज़रूरी है स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के सिलसिले की एक कड़ी है कि हम आज ये सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करें। ओके, स्टार्ट करते हुए, व्हाई इंटरव्यू इज सो सिग्निफिकेंट, मतलब क्या है ये इंटरव्यू। आम कुछ लोग आप लोगों को बहुत दिलासा देंगे, यार कुछ भी नहीं है इंटरव्यू, मतलब आपको सिर्फ कॉन्फिडेंटली जाना है, देखे आ जाना है, जितना घबराएंगे परेशान होंगे, थिंग्स विल यू नो बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, जस्ट टेक इट इजी। और कुछ लोग एक दूसरा इस तरह का सेगमेंट है जो आपको डराएगा कि यार बाकी टेस्ट क्लियर कर लिए, सारा कुछ कर लिया, रिटन पास कर लिया, प्री इंटरव्यू जो क्राइटेरिया थे वो मीट कर लिए, बट नाउ इज द टाइम टू अपियर इन द बिगर स्टेज
अमंग देम ऑल, ठीक है, और उसमें किस तरह से आपने बेसिकली उसको करना है। तो कुछ लोग आपको इस तरह से पैनिक करने की कोशिश करते हैं और आप ना चाहते हुए भी उस प्रेशर को ले लेते हैं कि हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर, जो कि एक इंटरव्यू को होता है। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एंड दैट इज हाउ बेसिकली यू स्टार्ट फीलिंग। अगर आप अपने आप को अपलिफ्ट करके रखते हैं, अपने आप को अगर आप किसी भी प्रेशर के थ्रू जो है वो सबसाइड नहीं करने देते ऑब्वियसली, तो फिर तो थिंग्स आर हाईली लाइकली टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड। लेकिन अगर आप पहले से ही मेंटली थोड़ा लो हैं, विद प्रेशर जा रहे हैं, या आपकी जो है वो एक रेस्टलेसनेस और एंजाइटी वाली स्टेज चल रही है, तो दैट एक्चुअली मेक्स थिंग्स मोर चैलेंजिंग, होती नहीं है उतनी। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ चूजिंग टूडेज टॉपिक, हम आपको बताएं कि इंटरव्यू जो है वो एज सच इतना हवा है नहीं जितना के बना होता है। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस, इट्स सिग्निफिकेंस इन आर लाइफ, तो बेसिकली क्या है, मतलब वी ऑल नो दैट इंटरव्यू इज बेसिकली अ गेट वे टू आर प्रोफेशनल कैरियर, ठीक है, एक मैंडेटरी पाथ है जिसके थ्रू ही हमने आगे जाना है, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल डोमेन हो, आप एकेडमिकली आगे एक्सेल करके उस लाइन में जा रहे हो, आप किसी और कंपनी में जा रहे हो, आईटी बेस्ड किसी सेक्टर में जा रहे हो, एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हैं आप, और यू आर यू नो कॉरपोरेट सेक्टर में कोई बैंकिंग जॉब के लिए जा रहे हो, वट एवर एरिया डोमेन और डिपार्टमेंट और यू नो प्रोफेशनल सेटअप इट में भी, ठीक है, आप ने उस स्टेज से गुजरना ही गुजरना है, और उसको आप सक्सेसफुली सरमाउंट करेंगे उस चैलेंज को, उस ऑब्स्टिकल को, तो योर फाइनल हर्डल विल बी क्लियर, और उसके बाद ही आपको अपनी जिंदगी की बड़ी खुशियों में से एक ये खुशी मिलती है कि हे यू हैव पास थ्रू दिस स्टेज एंड नाउ यू आर गुड टू गो इन दिस कंपनी, इन दिस डिपार्टमेंट, ये जो भी जिस भी पर्टिकुलर पोजिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हो। याद रखिएगा, योर डिग्री, योर क्वालिफिकेशन, दे डू मैटर अ लॉट, लेकिन इफ यू फेल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू के दौरान आपने इम्प्रेस नहीं किया, कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, कोई इन्फ्लुएंस करने में अगर नाकाम रहे फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी सारी डिग्रीज वो इंटरव्यूज के लिए, उस पैनल के लिए, इट विल बी जस्ट यू नो द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बरक्स भले ही आपकी कोई ए प्लस ना हो, भले ही आपकी 80% 90% की साथ एवरेज से थ्रू आउट योर एकेडमिक जर्नी आपकी स्कोरिंग्स ना हो, स्कोर्स ना हो, लेकिन आप 60-70% रिजल्ट की बेस के ऊपर भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने कंडक्ट से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने कॉन्फिडेंस से, और अपनी एक जो अप्रोच है दैट इज यू नो नीडेड इन ऑर्डर टू क्लियर दिस बिगर स्टेज, तो आप इंशाल्लाह ताला थ्रू हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज द फाइनल स्टेज। देखें, कुछ जॉब्स में तो सीधा सीधा इंटरव्यू आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब हमारे सिस्टम में प्री इंटरव्यू बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं। पहले तो आपके पास वो डिग्री, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैं सीवी वाली उसमें चीज में नहीं जाऊंगा, सीवी वाला डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, आपका जो एक इम्प्रेसिव रेजुमे है, द वे यू हैव अप्लाइड और सारे क्राइटेरियाज को मीट करना, उन सारी स्टेजेस के बाद इंटरव्यू में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस होगा सिर्फ इंटरव्यू से मुताल्लिक, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में या तो इन कमिंग डेज कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया होगा या करेंगे, या इंशाल्लाह ताला सून आफ्टर द अकम्पलिशमेंट ऑफ योर डिग्रीज आप करेंगे, और इवन इवन बीइंग ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या आपकी मेजर अभी अकम्पलिश ना भी हो डिग्री, तो कहीं ना कहीं हम पार्ट टाइम्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट आर सेल्फ कनेक्टेड इन सारी चीजों के साथ के व्हाट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। अच्छा, साथ ही साथ चूंकि हम हमारा फोकस जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड सेगमेंट है, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, पर्सन विद ब्लाइंडनेस, तो वीआई इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू ही ऑब्वियसली जो इंटरव्यू देने जा रहा है, इंटरव्यूअर, इंटरव्यू करने वाला, इंटरव्यू ही मतलब बीइंग ए कैंडिडेट, जब आप खुद आप जाते हैं, तो हमारे लिए फॉर पीपल विद विजुअल लिमिटेशन, विजन लिमिटेशन,
हमारे लिए चैलेंज जो है वो और भी ऐड हो जाता है इसमें, एडेड प्रेशर उसमें होता है, एडेड चैलेंज होता है, ठीक है, डबल हो जाता है, क्योंकि एक तो हमने उनके जो गिवन क्राइटेरियाज हैं जो हर कैंडिडेट ने क्लियर करने होते हैं, उसमें उनको सेटिस्फाई करना होता है, कन्विंस करना होता है, वो तो सारा कुछ है ही है। एडिशनली हमको ये भी कोशिश करनी होती है, वी हैव टू प्रूव अ पॉइंट कि जी अगर हमें कोई फिजिकल डिफिशेंसी है, अगर हमें कोई डिसेबिलिटी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वी कैन अश्योर यू कि हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो एबिलिटीज हैं, हमारी जो क्वालिफिकेशन है, प्लस हमारे पास जो एडिशनल वेज हैं टू टैकल विद अ प्रॉब्लम, और वो किसी भी सूरत आड़े नहीं आएगी हमारी परफॉर्मेंस के। सो हमारे लिए ये एक एडेड प्रेशर होता है, अनम्यूट एंड दैट्स व्हाई वी करना हैव है, टू अनम्यूट बी रियली रियली केयरफुल। नहीं करना है। हाँ अच्छा, ये माइक आप म्यूट करें, किसी का माइक अनम्यूटेड है। सो दैट इज बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। ओके okay. कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे, जस्ट वन क्विक क्वेश्चन, कि आप अपने लिए इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस को क्या समझते हो? हाउ बिग दिस स्टेज इज फॉर यू? अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो वेल एंड गुड, वो उसकी बेसिस में बता दे कि जी किसी भी जॉब के हसूल के लिए, किसी भी पोजीशन को हासिल करने के लिए इंटरव्यू की उनके लिए सबसे बड़ी हर्डल रही या सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको उन्होंने सक्सेसफुली ओवरकम किया। वन क्विक आंसर और फीडबैक ऑन दिस, कोई अगर बताना चाहे कि उसके लिए इंटरव्यू क्या है, या वो इंटरव्यू को अपने लिए क्या समझता है अपने कैरियर को लेके। कम ऑन, अगर आप इधर अस्सलाम नहीं बोलेंगे तो इंटरव्यू में जाके कैसे बोलेंगे? वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। मैं साद अकबर बात कर रहा हूँ। मैं असल जी में अभी साहब, भी सेशन ज्वाइन किया है, तो ओके मुझे कोई आइडिया नहीं है ऐसे इंटरव्यू के हवाले से। मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, इंटरव्यू मैंने काफ़ी दिए हैं, तो ओके मुझे आइडिया है कि इंटरव्यू जो है वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जॉब हासिल करने के लिए। ओके नहीं, बाकी अब जरूरी सेशन का मुझे आइडिया नहीं है, टॉपिक का जरूरी मुझे तो है आइडिया नहीं वो, है। इंशाल्लाह ऑब्वियसली हम उसी पे बात करें, लेकिन आपने कहा आपका एक्सपीरियंस भी, आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में कोई एक टिप शेयर करना चाहे कि अगर आपको कहीं खुदा ना हास्ता फेलियर हुआ तो उसकी रीजन क्या थी, या अगर आपको सक्सेस मिली तो उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या चीज थी, कोई एक सजेशन। अभी तक फिलहाल जो है सक्सेस तो मुझे नहीं मिली है। इंटरव्यू तो ओके मैंने बहुत दिए हैं, अभी ओके रिसेंटली विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद मैंने एक इंटरव्यू दिया है एंग्रो में, ओके तो ओके उसका जो है कोई जवाब नहीं आया, शॉर्टलिस्ट हो गया था उनके उनके मुताबिक, ओके लेकिन ओके ओके उन्होंने कंफर्मेशन नहीं की अभी। कोई बाकी जो है कोई एक ये चीज जो आप चाहो कि मैं अगले इंटरव्यू में ये बेहतर करना चाहूंगा, और अगर आप समझते हो, वैसे तो हर बंदा अपनी तरफ से बेस्ट देता है, जरूरी नहीं है कि आपके पार्ट पे कोई गलती हो तो ही आप सेलेक्ट नहीं होते। समटाइम ऑब्वियसली डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, फिर जहां हमारा सिस्टम है वहां पे ऑब्वियसली एक फेवर वाला, एक सिफारिश वाला एलिमेंट भी होता है, लेकिन कोई एक चीज जो आप समझो इम्प्रूव करना, या जिस जो आपके लिए कंसर्निंग फैक्टर हो गया, यार ये मेरा एक एरिया एक हो सकता है कि जिसमें मेरा गैप रह गया हो। देखिए स्किल्स और जो असल में क्या है कि जहां तक मैं समझता हूँ ना, मेरा जो फ्लॉ हुआ है, जो अंदाजा है कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो वो जो है स्किल्स वगैरह की वजह से, क्योंकि असल में एज अ वीआई ओके जो है ना, स्किल्स हासिल करना आपको जरूरी है यस और यस कंप्यूटर लिटरेसी आपको बहुत जरूरत है, कि यस यस विद स्क्रीन ठीक है रीडर्स आप जो है, विदाउट स्क्रीन रीडर तो मैंने बहुत काम किया है कंप्यूटर में, लेकिन विद अब जो है विद स्क्रीन रीडर्स जो है ना, वो जी आप जो है काम करना उसको यूटिलाइज, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना स्क्रीन रीडर्स के थ्रू, उसमें थोड़ी बेहतरी की जरूरत है। ओके ओके फाइन एमएस ऑफिस आता है, लेकिन अब स्क्रीन रीडर के थ्रू जो है एमएस ऑफिस को यूज करना, उसको लादियां आई दादियां गॉट से। योर पॉइंट, एंड दिस इज वेरी सॉर्ट ऑफ वैलिड थिंग, और इंशाल्लाह इसको हम आगे चल के डिस्कस भी कर रहे होंगे एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ये सारी इस प्रोसेस के अंदर, के जो थोड़ा एट टाइम्स विजुअली इम्पेयर्ड के पार्ट पे लैक ऑफ उनकी जो अवेयरनेस कह लें, नॉलेज कह लें, कॉम्पिटेंस कह लें, व्हेन इट कम्स टू बी टेक्नोलॉजिकली अवेयर। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, बाकी बाकी एक जी चीज जी और है, एक जी जी सजेशन और है कि जैसे अगर कोई भी वीआई जो है इंटरव्यू देने जाए, तो वो लाजमी अपने साथ जो है अपना वेपन लेके जाए, उसका वेपन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर है, लैपटॉप लैपटॉप। लेके जाए अपने ओके साथ, ओके ताकि शोकेस कर सके अपने
कैपेबिलिटीज लैपटॉप दैट इज वन गुड यूज करने के पॉइंट. बाद उनको शो कर सके, हम स्क्रीन रीडर के साथ जो है लैपटॉप जो है यूज कर सकते हैं। क्योंकि मुंह जबानी जो है सब लोग बोलते हैं, लेकिन यकीन दिलाने के लिए जो ना वो आपके पास यस लैपटॉप इंटरव्यू के टाइम पे जो है होना जरूरी है। मैं लेके गया था, लेकिन आई गेस स्किन की स्किल्स की वजह से ये ना शायद मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन अब मुझे ओके, थैंक आइडिया हो गया कि अब क्या करना चाहिए। यू, थैंक यू स्किल सो मच साद फॉर योर वेलकम फीडबैक. वेलकम। ऑल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज बताई. ओके, अब हम चलते हैं अगले इस इंट्रोडक्शन के बाद एक टॉपिक की तरफ, विच इज बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू यू नो प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एन इंटरव्यू, और वो है प्री इंटरव्यू स्टेज. हमारा सारा फोकस होता है कि इंटरव्यू के अंदर जाके हमने इस तरह बोलना है, हमें अगर कोई इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो हम इस तरह से उसका आंसर देंगे वगैरह वगैरह. ये हमने क्या कंडक्ट, हम मतलब जो एट द बैक ऑफ आर माइंड जो चीजें चल रही होती हैं, मतलब ख्वाबों में भी आ रही होती हैं विद फ्यू डेज यू नो बिफोर द इंटरव्यू, तो उसमें सारा फोकस उसमें होता है. और इन अ प्रोसेस क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो प्री इंटरव्यू स्टेज में होती है, यानी इंटरव्यू देने से पहले के जो टाइम फेज चल रहा होता है उसके अंदर आपने करनी होती है, कहीं वो तो नहीं इग्नोर हो रही है. ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि इंटरव्यू इज द बिगेस्ट स्टेज, राइटली सो है भी वो, लेकिन प्री इंटरव्यू स्टेज इज सो इम्पॉर्टेंट कि उसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. क्योंकि इंटरव्यू के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसको ये बड़ा एक नर्व रैकिंग किस्म का एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली अगर आप किसी बिगर रोल के लिए कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, किसी ने अपनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की है, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की है, और वो एक गजटेड पोस्ट पे जा रहा है, तो उसके लिए उस टाइम पे दैट बिकम्स यू नो द बिगेस्ट टारगेट ऑफ द लाइफ कि किसी तरह मुझे ये पोजिशन ये मिल जाए जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है, तो उसको लेके बड़ा एक प्रेशर चल रहा होता है. लेकिन अगर आपका माइंड सेट मतलब ठीक है, सही माइंड सेट के साथ आप चलते हैं, एंड इफ यू फॉलो द सर्टन स्ट्रेटजीज, ठीक ठीक है, तो आप डेफिनेटली अपने सक्सेसफुल होने के चांसेस को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर लेते हो. ठीक है, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब हो या किसी भी लेवल की जॉब हो, समटाइम पार्ट टाइम जॉब भी होता है, लेकिन हर तरह की जॉब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स इंटरव्यू में जाने से पहले जरूरी है. ठीक है, वो कैसे, ओके जी, हम जल्दी जल्दी कुछ एरियाज को देख लेते हैं. एक तो आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस भी डेजिग्नेशन में इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में उसको हासिल करने जा रहे हो, हमारी डिग्री उस सब्जेक्ट में अकॉर्डिंग टू द यू नो जो सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट होती है उससे मुतालिक जरूर होगी, होगी तो ही आप अप्लाई करेंगे, देर इज नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन उस एरिया, उस सब्जेक्ट, उस डोमेन के रिलेटेड यू हैव टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च. देखिए, हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, वहां पे हर 6 साल के महीने के बाद, 1 साल के बाद द ट्रेंड्स कीप चेंजिंग. कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है. आप देखें आईटी का सेक्टर जो है वो रेवोल्यूशनाइज होके कहाँ से कहाँ आ गया है. उसी तरह अब जो है वो इट्स इज दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है, और जो भी आपकी डोमेन, अगर एजुकेशन में है तो उसमें आप कितनी मैसिव लेवल की रिसर्च आ गई हैं, और आपको मतलब पेपर्स आपके होने चाहिए, कौन से पेपर्स आजकल मार्केट में ज्यादा चल रहे हैं, रिसर्च ट्रेंड्स क्या हैं, और प्रोफेशनल डोमेन में इसके अंदर जो लोग कर रहे हैं काम, तो किस तरह की इंडिकेटर्स चल रहे हैं, मार्केट इंडिकेटर्स, तो वो रिसर्च करना उस सब्जेक्ट्स के मुतालिक अपार्ट फ्रॉम योर यू नो डिग्रीज दैट यू पोजेस, जो आपके पास हैं, वो बहुत जरूरी है. ठीक है, आपके सब्जेक्ट के अलावा आपको थॉरो जो एक ओवरव्यू है आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग करंट अफेयर्स. अब बंदा कह सकता है जी मैंने इंग्लिश लेक्चरर की जॉब के लिए जाना है, या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए जाना है, या बैंकर की जॉब के लिए जाना है, तो वाई शुड आई यू नो बॉदर अबाउट गेटिंग सो मच नॉलेज के जी मुल्क में क्या हो रहा है, पोलिटिकली क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली हो रहा है, या ग्लोबली क्या हो रहा है. नो, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक इंटरव्यू ने आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, वो सारा 50%, और बाकी 50% पे जो आपकी चीजें जज होनी है वो आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज है, हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट जीके, मतलब जीके में मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, जीके ये जो जिसको हम
सॉरी जनरल नॉलेज कहते हैं, उसके मुतालिक आपको मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक कितनी आगाही है, इस्लामिक नॉलेज कितना है, आप अपने कंट्री के मुतालिक क्या क्या, उसके एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर क्या क्या जानते हैं, और फिर द सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स यू नो इन द पास्ट 5 to 10 years। हम कोविड की बात कर लें, ऑल दो कोविड इज ओवर, लेकिन उसके ड्यूरिंग कोविड और जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं, उसने कितने मेजर मेकशिफ्ट्स किए हैं ग्लोबली, उसके मुतालिक आपसे हो सकता है, डिजिटलाइजेशन जो एक्सपैंड हुई है उसके ऊपर हो सकता है, आपके कंट्री के अंदर जो चीजें, जो ई कॉमर्स को लेके, जो डिजिटल मार्केटिंग को लेके, या जिस डोमेन के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसके मुतालिक आप जा रहे हैं, उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट डेवलप हुई हैं इन द लास्ट 5 to 10 years, उसके मुतालिक भी आपको अपडेट खुद को रखना है। और फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स क्या चल रही हैं, जिस तरह करंटली यूक्रेन की वॉर 2-3 साल से लगी हुई है, उसका क्या स्टेटस है, इजराइल और जो पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसके मुतालिक क्या है, उसके अलावा यूरोप के अंदर अगर को काइंड ऑफ रिसेशन है तो वो क्यों है, अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंसी की रेस लगी हुई है बिटवीन बाइडन एंड ट्रंप, उसमें आपका क्या नॉलेज है, वगैरह वगैरह जो इम्पोर्टेंट की इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उसके मुतालिक भी आपको गाही रखनी चाहिए। आप ये मत समझे कि मैं तो यार एक इस्लामियात के लेक्चरर के तौर पे अप्लाई कर रहा हूँ, या एजुकेशन की सीट के लिए बतौर टीचर अप्लाई कर रहा हूँ, तो व्हाट आई हैव टू डू विद दीज थिंग्स, ऐसा नहीं है। ओके, फिर अगर एक और टेक्निक प्री इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू से जाने से पहले, वो ये है, अगर आपके इफ यू हैव समवन इन योर सराउंडिंग, आपके हल्का अहबाब में कोई ऐसे लोग हैं या अप्रोच करें जिन्होंने वही पोजीशन रिसेंटली हासिल की, होता है ना कोई पोजीशन हर साल आती है, हर 2 साल बाद आती है, तो मे बी सम ऑफ योर फ्रेंड्स और योर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैव गॉट दैट पोजीशन इन द रिसेंट पास्ट, जस्ट गेट इन टच विद दोज पीपल, आप उनसे पूछें कि मैं इसी पोजिशन की अप्लाई करूं। देखें, जो आपका अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो बंदा सेम पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है वो आपको सही गाइड नहीं करेगा, ऑल दो रिस्क जो है वो अल्लाह के हाथ में होता है, अगर इंसान ये सोचे कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो टिप्स हैं, जो सिग्निफिकेंट डिटेल्स हैं, वो मैं किसी और के साथ शेयर करूंगा, तो ये ना हो कि जी 10 बंदों को जॉब मिलनी है तो मेरा नाम उसमें से निकल जाए, क्योंकि ये याद रखें कि आप जो मर्जी अपना बेस्ट कोशिश करें सिलेक्ट होने की, आपको रिजेक्ट करने वाले जितने मर्जी कोशिश करें आपको रिजेक्ट करने की, लेकिन अगर अल्लाह हैज द प्लान टू गेट यू थ्रू टू दैट स्टेज, तो इंशाल्लाह आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए इस मामले में अगर कोई हमसे भी पूछता है कि यार हमें बताओ, तो हमें जरूर शेयर करना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो वो उस पोजीशन को कम्प्लीश करके पहुंचे हैं, तो उनसे आप जरूर मशवरा मांगे कि हाउ वॉज देयर एक्सपीरियंस, ठीक है यार अली भाई, आपने भी पिछले साल यही जॉब हासिल किया है माशाल्लाह, तो हाउ वॉज योर इंटरव्यू, आपने क्या क्या उसके लिए किया, किस तरह तैयारी की, और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए, दैट एक्चुअली हेल्प। जरूरी नहीं है कि 100 चीजें 100% वही पैटर्न रिपीट हो, लेकिन ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर डोमेन की, एक पर्टिकुलर पोजिशन की जॉब के लिए 50-60% सेम चीजें ही होती, मोर और लेस उसी डोमेन के अंदर अंदर ही आती, तो आपको काफी यूजफुल हिंट्स और क्लूज मिल जाते हैं, तो आप उसका एक्सपीरियंस जरूर पूछें। अच्छा, फिर जी आपने ऑब्वियसली जब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में चल रहा होता है कि किस तरह से हमने ड्रेसअप होना है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। अनफॉर्चुनेटली आई हैव ऑब्जर्व सम ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड जिन्हें अपनी क्लोदिंग की इतनी सेंस नहीं होती, ड्रेस कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर शर्ट लाइट कलर की है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ वाइट है, तो ये ना हो कि ट्राउजर है वो भी वाइट हो, ठीक है, वो आप कोशिश करें ग्रे हो जाए, ब्लू हो जाए, ब्लैक हो जाए, अगर आपकी शर्ट ब्लैक है तो आप कोशिश करें आपका ट्राउजर ऑफ वाइट हो जाए, इस तरह के मतलब आपने पूछ लें आसपास अपने दोस्तों से पूछ लें, फिर जरूरी नहीं है कि आपने सूटेड बूटेड होके जाना है, कुछ लोग जी 3 पीस सूट खरीद लेते हैं जैसे कजन के वलीमे पे जाना हो, नो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, नीट एंड क्लीन ड्रेस जरूर होना चाहिए, फॉर्मल आउटलुक जरूर होना चाहिए, ये नहीं कि टी शर्ट जीन्स में चले जाएं, फॉर्मल आउट, लेकिन आप एक सिंपल ड्रेस और पैंट में जा सकते हैं, ड्रेस पैंट में, ड्रेस शर्ट में, मेल्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर टाई नहीं भी है, आपके कपड़े नीट हैं, डजेंट मैटर, आप जा सकते हैं, फॉर्मल शूज आपके हों, शूज अगर नए नहीं भी हैं
देखें ये भी उनको ओवर इन्फ्लुएंस करने की, ओवर इम्प्रेस नहीं करना, हमने इम्प्रेस करना है। कुछ लोग तो टैग उतारना भी भूल जाते हैं, रात को पैकेट में से नई शर्ट निकाली यार सुबह इंटरव्यू पे, ये नमी पा के जानी जी। सो दैट एक्चुअली उनको वो ये मैसेज देता है कि बंदा जो है ना थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉशियस हो रहा है। तो हमने ओवर कॉशियस अप्रोच नहीं उनको दिखानी, कीप थिंग्स सिंपल, प्रॉपर ड्रेसिंग करें, फॉर्मल ड्रेसिंग करें, रिंकल फ्री हो, यानी उसके ऊपर कोई बाल वगैरह ना हो, अच्छे तरीके से इस्त्री हुए कपड़े हो, साफ सुथरे हो, यू नीड टू कॉम्ब योर हेयर, अपने जो बालों की कंघी संघी वो अच्छे से बना के रखें, ये ना बाल बिखरे वगैरह हो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। और इसमें ये भी नहीं है, जिस तरह आप अगर तो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है तो फिर तो आई वॉन्ट रिकमेंड शलवार कमीज, लेकिन अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब में जा रहे हैं, तो उसमें आप शलवार कमीज भी नीट एंड क्लीन पहन सकते हैं, ठीक है। आपके शूज जो हैं वो प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए, नए होना जरूरी नहीं है, ओके। टी शर्ट जीन्स या जो इनफॉर्मल ड्रेसेस हैं उसको आप अवॉइड करें, एंड देन लास्टली कुछ आप डिसेंट सा परफ्यूम लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो तेज परफ्यूम लगा के, क्योंकि समटाइम खुद को तो नहीं पता चल रहा था, आप उसके इतने मल्टीपल स्प्रे कर सकते हैं, कर देते हैं कि फिर जब आप उसमें जाएंगे इंटरव्यू वालों का, तो वो उन्होंने कहना है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, अभी ये कहाँ से उठ के आ गया, इस बंदे को बाहर निकालें। सो दैट एक्चुअली बेसिकली लीव्स अ बैड इम्प्रेशन। तो इसलिए आपने ये नहीं करना कि आपका जो है इम्प्रेशन उस पर खराब हो। सो फीमेल्स की अगर आप बात करें तो वो अपनी सिंप्लिसिटी को मेंटेन रखें, ओवर मेकअप उन्होंने नहीं करना, ठीक है, अवॉइड एक्सेसिव मेकअप, ठीक है, हल्की सी आप वो लिपस्टिक वगैरह लगा सकते हैं, और हैवी ज्वेलरी आपने नहीं लगानी। सो फिर आपने कुछ और इंटरव्यू पे जाने से पहले जिन टेक्निक्स को आपने माइंड में रखना है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, द प्लेस, द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। उसमें फॉर एग्जाम्पल आप जिस एरिया में हैं तो आप ये मेजर करें कि आपने जहां जाना है वो आपके घर से कितनी दूर है। समटाइम हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, हम देखें ये अपेरेंटली छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू डोंट हैव टू इग्नोर इट। अगर मेरे घर से जो जॉब प्लेस है इंटरव्यू की वो 40 मिनट्स की ड्राइव में है, तो मैं 1 घंटे का, 1.25 घंटे का मार्जिन रख के चलूंगा। अगर 1 घंटा दूर है तो मैं 1.5 घंटे का मार्जिन रख के चलूंगा। अगर ये 5 से 10 मिनट दूर है तो उसमें हमें कैजुअल नहीं हो जाना, यार करीब तो है, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उसमें आप 20 मिनट का मार्जिन रह के चलें। फिर आप जो ओवरनाइट है उसमें एक रात दिन पहले मेक श्योर करें कि आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो कंप्लीट है। सुबह आपके पास डोंट लीव एनीथिंग के जी मैं सुबह कर लूंगा उठ के, अपने डॉक्यूमेंट्स एक एक चीज आपकी सही होनी चाहिए। अच्छा, फिर प्री इंटरव्यू टेक्निक्स में आप मॉक इंटरव्यू टेक्निक्स देखें, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस रियल टाइम होता है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। जो फील आपको प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली वहां पे आएगी, वो आप घर में या किसी आर्टिफिशियल सेटअप में तो नहीं ले सकते, लेकिन दिस डज हेल्प अ लॉट कि आप कुछ फ्रेंड्स को, कुछ लोगों को, इवन योर फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करें, उनके साथ रिहर्सल करें। अच्छा जी आप आ रहे हैं जी, आप मुझसे पूछें जी, आप अपने कजन को कहें अच्छा यार मुझसे पूछे, खास तौर पे जो ऐसी चीजों से गुजरे हुए हैं, इंटरव्यूज दिए हुए हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, क्या आपका वो बॉडी जेस्चर जो है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए उसको करें। तो मॉक इंटरव्यू जो है प्रैक्टिस वो बहुत जरूरी है, ताकि आपको थोड़ा सा अपना पता चले। अगर आप 2-4 दिन ये करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने नर्व्स को, थोड़ी सी जो हेजिटेशन है उसको काफी हद तक ओवर करने में जो है लाजमी तौर पे आपको ये हेल्प आउट करेगा। ओके, फिर पिकअप द लिस्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चंस, ठीक है। आप आजकल गूगल का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, उससे पूछें कि व्हाट आर द यू नो कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन द ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। ऑल्दो के वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो तो डिफरेंट ही होंगी, उसमें आपको पर्टिकुलरली उस खुद को प्रिपेयर करना है, लेकिन जनरल क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, यूट्यूब पे डेमोज देखें करें, मतलब अपनी रिसर्च, अपना होमवर्क पूरा करके जाएं, ठीक है। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू फील समवट कंफर्टेबल। ओके, फिर लास्टली ये कि इंटरव्यू में जाने से पहले अगर तो पता है, ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर नॉट अवेयर कि हमारा इंटरव्यूअर कौन होने जा रहा है, लेकिन अगर आप अपनी किसी करंट कंपनी में
एलिवेशन के लिए जा रहे हैं, प्रमोशन के देखो लिए जा रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके बॉसेस कौन हैं, जो इंटरव्यू है वो कौन है, उनका माइंडसेट क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रिसर्च द इंटरव्यूअर, यस ठीक है कि यार अच्छा ये पैनल में मैंने सुना ये लोग हैं, या आपको जो आपसे प्रीवियस कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू देके आ चुके हैं उनके थ्रू भी पता चल जाता है कि पैनल में कौन कौन है। समटाइम पैनल शिफ्ट भी होता रहता है, शफल होता रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3-4 लोग होते हैं और वो साल हर साल से इंटरव्यू ले रहे होते हैं स्पीकिंग अबाउट सर्टन पोजिशंस। तो उनका माइंड सेट कीजिए, अगर इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, कि जब मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई किया जॉब के लिए, तो मुझे ये तो नहीं पता था कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो इंटरव्यूअर्स हैं वो कौन होंगे, क्योंकि 4 से 5 लोग पैनल में होते हैं, लेकिन मुझे ये पता था, दोस्तों से पता चला कि जो पैनल को चेयर करते हैं चेयरमैन साहब, वो ज्यादातर जो हैं वो करंट अफेयर्स या इस्लामिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं, और इस तरह के 3-4 एरियाज हैं। तो आपको हेल्प मिल जाती है कि आपको एडिशनली किस किस चीज पे प्रिपेयर करना है। तो इसलिए चने अब भाई दाल चावल बाद में हम खाएंगे, अभी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्लीज माइक्रोफोन आप थोड़ा म्यूट कर लें। ये बड़ा जरूरी है कि आप इन चीजों पे वर्क करके जाएं, ठीक है जी। फिर यू हैव टू अराइव अर्ली, मतलब आपका सुबह 9:30 पे अगर इंटरव्यू स्केजुलाइज्ड है तो यू हैव टू बी देयर एट 9 AM शार्प, ठीक है। आधे घंटे का मार्जिन लेके आप उधर पहुंचे, ताकि आप को पता हो कि आपने वहां पे जाके जगह ढूंढनी, समटाइम बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, समटाइम आपको पता करना पड़ता है कि एग्जैक्ट ऑफिस कहाँ है, ठीक है। और आपको वो लोग एट टाइम्स कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली गलत गाइड भी कर देते हैं कि जी उधर जाएं, फिर आप 4 फ्लोर घूम के आते हैं कि यार वो तो इधर था, और फिर आप भागते भागते अगर अंदर जाएं, सॉरी सर आई जस्ट मिस द प्लेस, मैं इधर हो गया, मुझे गलत गाइड किया गया, तो वो आपकी कोई भी उस वक्त जस्टिफिकेशन काम नहीं आएगी। वो यही सोचेंगे कि भाई तो आप सुकून से रिलैक्स होके टाइम मार्जिन रख के क्यों नहीं आए। इसलिए आप पहले जाएं, आपने वॉशरूम जाना है, अपने टाई शाई शर्ट सही करनी है, आप 10 मिनट बैठे वहां पे, आपको वेट करना पड़ता है डजेंट मैटर, आधा घंटा वेट करना पड़ता है, 15 मिनट वेट करना पड़ता है, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप वहां रिलैक्स तरीके से अपनी मतलूबा एग्जैक्ट पॉइंट पे, जगह पे, ऑफिस में, वेटिंग लॉन्च में, वेटिंग रूम में सुकून से बैठ जाएं स्माइल करते हुए और बिल्कुल चिल करते हुए। ये कुछ हो गई प्री इंटरव्यू टेक्निक्स। फिर नेक्स्ट का मैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की जी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, कितना जरूरी है कॉन्फिडेंट होना। एक्सक्यूज मी, सिर्फ भाई साहब आपकी डिग्रीज कि आपने जी फर्स्ट डिवीजन ली है जी एमए इंग्लिश में एक्सक्यूज मी सलमान आपने, साहब, यस सलमान साहब एक चीज आप भूल गए हैं, ये वो बताना उसके अंदर इंटरव्यू की तैयारी के लिए, प्री इंटरव्यू जो है कि उसके अंदर जो है जिस कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके लिए उसकी उस कंपनी के बायोडाटा आपको पता होना चाहिए, उस कंपनी के बारे में आप पता रखिए, इंफॉर्मेशन लेके जाएं कि उस कंपनी के क्या अबाउट सेक्शन जी पूरा जी पढ़ के बिल्कुल जाएं, बिल्कुल बिल्कुल ताकि जो आप कंपनी के बारे में पता हो जिसमें आप इंटरव्यू जी देने जा जी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखें जो मैंने अपना ये पहला पॉइंट प्री इंटरव्यू स्टेजेस का किया था उसमें यही था ना कि रिसर्च द डोमेन यू आर गोइंग, वो यही है कि आनी आपने अपने आपने क्वेश्चंस का बोला था ना, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह के लिए। जी जी वो भी, और ये आपने अब उस डोमेन को रिसर्च करना है कि उसके करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। मैंने कहा ना कि चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, चाहे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, तो आपने उसकी रिसर्च करके जानी है, ये सारी चीजें उसमें आ रहा है। अब ऑब्वियसली अगर सही है, बहुत माइन्यूटली एक एक चीज करूंगा तो ये 1 घंटे में चीजें हाँ ये कवर तो नहीं सही होगी, बात है, सही बात है, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गए ना। बिल्कुल। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा था अगर आपका 4 out of 4 GPA भी है, लेकिन अगर आप वहां पे जाके सर सर यस इस तरह जा बोल रहे हैं, या आपके अंदर जाते ही उनको आपकी शक्ल से पता लग रहा है लो जी बंदा तो बहुत ज्यादा नर्वस है, द प्रेशर इज प्रिटी मच यू नो, उसकी रिफ्लेक्शन उनको फौरन जाती है, तो दैट एक्चुअली स्पॉइल्स योर केस बिग टाइम। तो इसलिए कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। जिस तरह हमने वो घिसी पिटी बात सुनी हुई है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो वो आप फर्स्ट इंप्रेशन भी तभी क्रिएट कर पाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं, ठीक है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, कि मेरी जिंदगी के अब तक जितने इंटरव्यूज हुए हैं, जो 2-4 पोजीशंस पे मैं गया,
ये जरूरी नहीं जॉब के लिए इंटरव्यू, किसी पोजीशन के लिए भी होता है, किसी चीज के लिए आपकी सिलेक्शन हो जाए, अच्छा जी ये प्रोजेक्ट मिल जाए, अच्छा आपको इसके लिए सिलेक्शन हो जाए, इस मेंबरशिप के लिए सिलेक्शन हो जाए। ये जिस तरह मैं यूएन की ट्रेनिंग में साउथ कोरिया गया था, तो उसके लिए ऑनलाइन 20 मिनट का एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू हुआ था। किसी भी चीज का, जॉब से हटके भी हो सकता है, आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर पढ़ने जाना है, तो उसके लिए भी आपको इंटरव्यू किया जाता है या सर्टेन क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। तो उस सारी चीज में आपको, अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ना, तो यकीन करें जिसका 4 out of 4 GPA है लेकिन वो लेस कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, वो उसको वो चांस या अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। जिसका 3.2 GPA भले हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यू नो स्कोरिंग लो GPA इज गुड प्रैक्टिस, अब ये ना हो कि आप अपने GPAs को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें, एकेडमिकली भी हमारे सिस्टम में उसकी बड़ी वर्थ होती है, लेकिन आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि 3.2, 3.3, 3.5 GPA वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगी 4.4 out of 4 के ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के उसका कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा है, ठीक है, उसका कंडक्ट आपसे बेटर था, उसकी अप्रोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके पोस्चर, द वे ही टॉक्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, द वे ही कम्युनिकेट्स, उसके बोलने में जो एलिक्वेंस है, जो कम्युनिकेशन में एक पावर है, जो इम्प्रेस करने की, कन्विंस करने की एक उसके अंदर जो एक स्किल है, वो चीजें भाई आपके एकेडमिक सुपरियोरिटी को बिल्कुल फारिग कर देगा। एंड द कैंडिडेट हु हैज यू नो क्रिएटेड एन इम्पैक्ट सक्सेसफुली, उस वो थ्रू कर जाएगा। तो आप स्माइल करें, रिलैक्स रहें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, ठीक है, और जो कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स होते हैं दे नॉर्मली कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली, ठीक है, दे स्पीक क्लियरली। समटाइम्स ये होता है कि हमें नॉलेज होता है, ठीक है, हमसे एक सडन क्वेश्चन किया जाता है, हम कहते हैं वाह अभी वाह इसका तो मुझे पूरा नॉलेज है, लेकिन आप उसको शुरू इस तरह से करते हैं, टू द पॉइंट बात नहीं करना शुरू करते हैं, और आपके बताने में वो क्लैरिटी नहीं होती, वो कन्विक्शन नहीं होती कि आप डिस्पाइट हैविंग द परफेक्ट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलरली आस्क्ड क्वेश्चन, आप फेल हो जाते हैं उनको सेटिस्फाई करने में। ऑन द अदर साइड, अगर मुझे उस आंसर का 60, 70, 80% पता है, 100% आई एम नॉट श्योर, फुली आई एम नॉट अवेयर, लेकिन उसका मुझे यू नो आई नो सम चंक ऑफ इट, लेकिन मैं उसको बड़ा कॉन्फिडेंटली एक कन्विक्शन के साथ, एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन के साथ आंसर दे रहा हूं ना, वो उस चीज से ही इंप्रेस हो जाएंगे। फिर आपका सेल्फ बिलीव एक्सक्यूज होना, यस मी सर, अगर ये सब कुछ इसी इंटरव्यू में रखा है तो फिर एकेडमिक का इतना अंबार लगाने की क्या जरूरत है? मतलब सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसके लिए वो पहले टेस्ट लेते हैं, तो अगर सब कुछ टेस्ट और इंटरव्यू नहीं करना है तो फिर एकेडमिक रिकॉर्ड का इन लोगों ने क्या करना है? नो 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 नो, देखें आपके पास आपका लाइसेंस बना होता है ना, जब किसी ने गाड़ी चलानी, जस्ट गिविंग यू जनरल एग्जांपल, जिसका लाइसेंस नहीं है, कार लाइसेंस होल्डर, वो गाड़ी नहीं चला सकता, राइट, हमें पता है। लेकिन 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 मेरा लाइसेंस मुझे गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल नहीं करता जब तक मैं टेस्ट ड्राइव नहीं देता। बहुत से लोग जिनके हैवी ट्रैफिक वाले, क्या उसको बोलते हैं, एक LT होता है, एक HT या HV क्या होता है, जो उसका उस टॉप कैटेगरी का भी लाइसेंस बना हो ना, और अगर वो गाड़ी ठीक नहीं चलाता, अगर वो उनके टेस्टिंग मेजर्स पे पूरा नहीं उतरता, तो फ्लॉप हो जाता है, ही इज नॉट अलाउड टू ड्राइव। तो ये ऐसा ही है, लाइसेंस जो है ना, हमारी जो डिग्रीज हैं, वो हमारा लाइसेंस है कि हम इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन क्या हमारी परफॉर्मेंस, क्या हमारी जो एक कंडक्ट है, हमारी जो प्रैक्टिकल उस चीज को लेके जो हमारा एक स्किल है, वो कंपैटिबल है हमारी डिग्रीज के साथ, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल देके आगे चलता हूँ, आप अपने घर के लिए ड्राइवर रखते हैं, आपको कोई बंदा कहता है ये जी ड्राइवर मैं लाया हूँ, ये आप उसका डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, 12 साल पुराना उसका लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है जी, आप कहेंगे 12 साल का इसका लाइसेंस बना हुआ है तो डेफिनेटली बड़ा एक्सपीरियंस्ड होगा। आप कहेंगे जी मैंने ट्राई लेनी है, आप ट्राई लेते हैं, वो जिगजैग कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, आगे से एकदम ट्रक आया है, उसका पसीना निकल गया और उसने थोड़ा सा घबरा के गाड़ी से रुक भी गई है, तो आप क्या उसको रखेंगे, आप उसका 12 साल का एक्सपीरियंस नहीं देखेंगे। दूसरी तरफ एक और आपको इंटरव्यू, वो ड्राइवर आया कैंडिडेट, उसका 6 माह पहले लाइसेंस बना है, लेकिन क्या कॉन्फिडेंटली उसने ड्राइव कराई है भाई, हाईवे के ऊपर वो ऐसा चल रहा है, आसपास से ट्रॉलर्स ट्रैक्टर्स
वो ट्रक्स गुजर रहे हैं, बट ही इज ड्राइविंग सुपर कॉन्फिडेंटली, तो आप कहेंगे ये सही है भाई, मुझे 12 साल वाला एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मुझे ये 6 महीने वाला चाहिए। तो वो ही केस होता है इंटरव्यूज के लिए, डिग्रीज का और इंटरव्यू टेस्ट का ये एक एडिड उसके अंदर फैक्टर होता है। अच्छा, फिर अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप टफ क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। अभी हम इसको थोड़ा स्किप करके आगे चलते हैं, क्योंकि हम मेन ड्यूरिंग द इंटरव्यू पोर्शन को भी हमने कवर करना है, उसमें हम इस चीज को पढ़ेंगे कि किस तरह आप जो है टफ क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, एंजाइटी को ओवरकम किसकी तरह कर जाए, जिसकी मैंने पहले बात की कि हमें प्रेशर होता है, नींद नहीं आ रही होती, और खास तौर पे लोग कहते हैं कि जी हम जिस दिन सुबह इंटरव्यू होता है रात को सो नहीं पाए होते, लोग सुबह आते हैं ऐसे आंखें स्वेल हुई होती हैं, रेडिश होती है उसमें, और बंदा कहता है जी मैं तो रात को ना सो ही नहीं पाया, क्योंकि आप मेंटली कहीं ना कहीं वो इतना पिटर्ब्ड होते हैं, इतनी एंग्जाइटी होती है, एंग्शियसनेस होती है, रेस्टलेसनेस होती है, कि आप उसको जो है ना ओवरकम नहीं कर रहे। भाई देखो, जॉब मिले ना मिले, जॉब मिलना ना मिलना वो किस्मत की भी चीज है, अल्लाह पे यकीन रखें, गिव योर बेस्ट, बाकी रिलैक्स रहें, जो किस्मत में चीज होगी वो कोई रोक नहीं सकता, जो किस्मत में नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। अच्छा, इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं, आप उसको जरूर स्टडी करें, मैं अब इसकी डिटेल में तो नहीं जाएगा, लेकिन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कुछ दिन करें, 1 हफ्ता करें, वो आपको रिलैक्स करता है थोड़ा सा, आपका कंपोजर मेंटेन करने में। तो इस तरह की कुछ चीजें अगर आप करके पहले जाते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी मेंटेन कर सकोगे, विच इज मोस्टली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, वो आप सामने पलंदा तो अपना रख देंगे, ऑब्वियसली आपने उस उन क्राइटेरियाज को मीट किया है तो आपको कॉल आई है इंटरव्यू की, ठीक है, वो देख लेंगे। हाँ, इम्प्रेस जरूर होंगे, उसके भी सम टाइम कोई पैनल 10 नंबर को 15 नंबर एकेडमिक के देता है कि जी जिसके फर्स्ट डिवीजन है उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, सेकेंड डिवीजन वाले को नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन लेकिन जो 60-70-80% आपकी सिलेक्शन है वो आपके इंटरव्यू के ऊपर बेस कर रही होती है। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे किसी अच्छा को मैं चाहूंगा, अगर कोई किसी ने इंटरव्यू दिया है तो वो कोई एक बताए, क्योंकि अब जो हम पोर्शन कवर करने जा रहे हैं अगले 10 से 15 मिनट में, उसमें हम विजुअली इम्पेयर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे होंगे कि हमारे क्या चैलेंज होते हैं और ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें किस तरह से खुद का एक ओवरऑल कंडक्ट रखना है। बट वन क्विक फीडबैक किसी की तरफ से कि उसको अगर उसने कॉन्फिडेंस उसका शटर हुआ किसी एक पॉइंट के ऊपर तो वो क्या था, फिजिकली चलना फिरना मोबिलिटी को लेके हुआ, या टफ क्वेश्चन एकदम आ गए उसको लेके हुआ, या एकदम से सडन वो कॉन्फिडेंस आप जिस तरह होते हैं ना जाते हैं अंदर आपके माइंड में वो चल रहा होता है, भाई सामने चेयरमैन बैठा है, 4-5 लोग बैठे हैं, यू स्टार्ट शिवरिंग आउट ऑफ नोवेयर, आपके हैंड्स क्रम्बल कर रहे होते हैं, कोई किसी के साथ कोई ये एक्सपीरियंस हुआ, या फिर आप के पास डिग्रीज तो थी लेकिन उनके जो रेलिवेंट क्वेश्चन थे उसको आप नहीं आंसर कर सके, कोई एक फीडबैक जल्दी से किसी का एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एक तो आ गया ना पहले के जी उन्होंने ये समझा कि जो एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो कमी थी, लेकिन किसी का कोई फ्रेश एक्सपीरियंस हो या किसी का ये फियर हो कि मैं जब जाऊंगा, जिस तरह वो कहते जी आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, जी आई कांटेक्ट, अब हम किस तरह आई कांटेक्ट मेंटेन करें जी, ठीक है, तो किसी का कोई भी वो हो, किसी के जेन में कोई तो बात है जस्ट ये क्वेश्चन है यस सर, जी। एक्सपीरियंस मेरा तो है। एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, आप बताएं। मैं अब्दुल्ला गुलाम बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला जी, मैंने बेसिकली 2 साल तक कॉल सेंटर्स में जो है इंटरव्यूज ड्यूरिंग दिए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ओके इंटरव्यू, ठीक है। तो सर बेसिकली पहला जो मेरा इशू आया ना वो मेरे कॉन्फिडेंस का आया, ठीक है। वो इस तरह से कि मैं किसी भी कॉल सेंटर में जाता था तो मैंने उन्हें जाके ये बताया कि मैं कंप्यूटर पे टेलीफोन एक्सचेंज को कर सकता हूँ हैंडल, मेरा टेलीफोन ऑपरेटर को मैं कर सकता हूँ, एक्सचेंज को मैं हैंडल कर सकता हूँ, या किसी भी एज अ कॉल को पिक कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने उन्हें सारा रीज़न जाके बताई, पर वो कहते हैं कि आपको जो है ना बेसिकली कम्युनिकेशन का एक तो है कि आप अटकते बहुत हैं, ठीक है। सेकंड इज कि आप कॉन्फिडेंस अपना जो है ना बहुत लो कर देते हैं, ठीक है, इंटरव्यू देते हुए।
तो मैंने ये बहुत नोट किया, मुझे जितने भी पैनल्स में मैंने कॉल सेंटर्स में विजिट किया, हायरिंग कंपनीज में किया बात की, तो मेरे से बहुत ये इशू आया है। तो मैं चाहता हूँ कि सर मुझे इसमें गाइड किया जाए कि क्यों मेरे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत कमी आ जाती है। थैंक्स अ लॉट। ओके थैंक यू। देखिए अभी मैंने इम्पॉर्टेंट टिप्स दी हैं, एक तो कॉन्फिडेंस के हवाले से कि वो बहुत बहुत ज़रूरी है और किन किन तरह से वो आ सकता है, और बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्रीज, आपके जो क्वालिफिकेशन है, आपका CV, आपके जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जितने मर्जी अपेरेंटली इम्प्रेसिव नज़र आ रहे हो, लेकिन अगर आप शेकी हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके लैग कर जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? ओके। यस सर उसी चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट हमारा जो है व्यू अपना किस तरह से कंडक्ट होना चाहिए इंटरव्यू को लेके। आपने सलाम कॉन्फिडेंस की वालेकुम बात, जी वालेकुम सलाम, सर। सर क्लैन स्पीकिंग। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने आई कांटेक्ट की बात की है जी एज अ विजुअली इम्पेयर्ड इंटरव्यू ही, तो मेरी जो रिकमेंडेशन है और जो मैंने चीज फॉलो की है ड्यूरिंग इंटरव्यूज, तो अगर तो वो है पैनल इंटरव्यू, तो फिर हमें चाहिए कि जो पर्सन हमारे साथ मुखातिब है, जो हमारा फेस है, जो हमारा फोकस है, जब वो हमारे से क्वेश्चन करे तो हमारा फोकस उसी की तरफ होना चाहिए। क्योंकि एब्सोल्युटली ये बाज चीज, औकात ऐसा होता है कि हम जो VI के लोग होते हैं वो बात किसी और से कर रहे होते हैं और उनका फेस कहीं और होता है, दिस इज तो व्हाट उसका कमिंग अप नेक्स्ट क्लैन, आपका पॉइंट सही है, ये चीज इसी में मैं कवर करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। देखो एक जेन्युइन चीज है आई कॉन्टेक्ट, वी कांट मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, वी कैन नॉट लुक इन टू द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर, चाहे वो सामने बैठा हुआ चेयरमैन हो या राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, लेकिन बहुत जरूरी है टू फेस योर सेल्फ इन द सेम डायरेक्शन। एक तो वो टिप ये होती है, चले मैं सीक्वेंस में आता हूँ, ये चीज आगे कवर हो जाएगी। आप जब एंटर होते हैं, ऑब्वियसली नंबर वन, बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड नेवर हेजिटेट टू यूज योर व्हाइट केन। लोग प्रेफर करते हैं कि जब हम उधर जाएंगे उनका अटेंडेंट आपको पकड़ के बिठा देगा, फेयर इनफ होते हैं, असिस्टेंस मिल जाती है, कोई इतना ज्यादा ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन आप व्हाइट केन के साथ फिर भी आए बैठे, अपनी व्हाइट केन को आप फोल्ड कर दें, ठीक है, स्माइल होनी चाहिए आपके चलने फिरने से, आके बैठने से ये नहीं लगना चाहिए कि आपको बड़ी कंफ्यूजन है, कॉन्फिडेंटली आए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मॉक प्रैक्टिस जो है ना, मॉक इंटरव्यूज और इस तरह का सारा सेटअप, उसको बना के आप करें, किस तरह आपने आके टेबल पे बैठना है, इस तरह से करना है। अस्सलाम, जब आप एंटर हो तो आप गए अस्सलाम वालेकुम, वहां पे आपको लाजमी दो तीन चार बंदों की तरफ से वालेकुम सलाम कहा जाएगा, वहां से आपने जज करना है कि यार राइट साइड पे भी बैठे हैं लोग या लेफ्ट साइड पे भी बैठे हैं या सामने भी बैठे हैं। अब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल राइट साइड वाला को बंदा कह देता है कि मिस्टर सकलैन हाउ यू, प्लीज वुड यू माइंड इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, तो आपने भले ही आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह ये सकलैन ने खुद बात की, यू हैव टू लुक इन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन जिसने आपसे क्वेश्चन किया है। अगर आपको लेफ्ट साइड से कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठा है, पैनलिस्ट बैठा है, वो आपके कह रहे हैं अच्छा जी अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो पहले वाला जो उससे पहले वाला बंदा क्वेश्चन कर रहा था वो आपके राइट सामने राइट साइड पे बैठा है या सामने, तो आप स्विफ्टली अपना फेस उसकी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, लेफ्ट तरफ से जब से आवाज है, यस श्योर सर श्योर सर, उसकी तरफ देखेंगे ताकि उसको पता चले कि कम से कम चलो यार अगर ये देख नहीं पा रहा तो इसकी हेयरिंग सेंस इज शार्प इनफ कि ये ऑब्जर्व कर रहा है कि आवाज किस तरफ से आई है। कुछ ब्लाइंड होते हैं बाय बर्थ, उनका ये प्रॉब्लम है कि वो अगर एक कमरे में सामने से बंदा बोल रहा है, राइट से बोल रहा है, लेफ्ट से बोल रहा है, उन्होंने हिलना नहीं, उन्होंने एक ही डायरेक्शन में देखना है, कुछ तो नीचे देखते रहते हैं। नो, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। देखिए ये चीजें प्रोफेशनली जाके, भले ही आपको इस चीज पे मार्जिन मिल जाएगा यार ठीक है पुअर विजली इम्पेयर्ड फेलो, मतलब ही कांट हेल्प इट ना, कोई बात नहीं, लेकिन 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 आप उन पे इम्पैक्ट डालें कि ठीक है लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज इज नॉट पॉसिबल, नो प्रॉब्लम, बट आई कैन एटलीस्ट लुक इन टू द डायरेक्शन ऑफ फेस, आवाज से तो हमें पता चल जाता है ना कहाँ से आ रहा है। सो बी रियली माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि जहां जहां से बंदा आपसे क्वेश्चन करे आप उसकी डायरेक्शन में
पॉइंट करके फेस करके तो आप बात करें। ओके, फिर नो जब आप सर, इंटरव्यू बिल्कुल में जा रहे होते हैं, आपकी हेल्थ, उनको लगे कि आपकी हेल्थ सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोटा ताजा बंदा हो और स्मार्ट बंदा हो तो वो हेल्दी, लेकिन आपकी शक्ल से ये नहीं लगना चाहिए कि आप 2 दिन से सोए नहीं है। एंटर इन साइड विद द हेल्थी अपेयरेंस। 2 दिन 3 दिन पहले लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, उफ यार प्रेशर, बुखार चढ़ जाता है किसी को, और समटाइम्स क्या होता है कि आप उसमें सोते ही नहीं है रात को, तो वो तो आपकी पूरी, व्हेन यू हैव यू नो गॉन थ्रू ए स्लीपलेस नाइट, तो आपका सुबह देखने ही पता चल जाता है, ठीक है? तो वो आपने उस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है? क्योंकि अ पर्सन विद काइंड ऑफ शैटर्ड हेल्थ कैन नेवर इम्प्रेस, ठीक है? बाकी तो आप बोलेंगे जो भी है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सही नहीं है, आप शक्ल से बीमार लग रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है? और फिर फीमेल्स के लिए मैंने शायद पहले भी पॉइंट बोला कि आप ये नहीं कि आप बड़ा ओवर काइंड ऑफ मेकअप करके चले जाएं, क्योंकि जितनी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं वो आपकी दूसरी चीजों की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है? आप अगर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं भी है बीइंग ए कैंडिडेट, लेकिन आपकी स्मार्टनेस, आपका सोफिस्टिकेटेड होना, आपका अप टू द मार्क होना, आपका कॉन्फिडेंट होना और आपका सही बॉडी पॉस्चर्स के साथ बैठना, आपको अपने जैसे से फील कराना दैट यू आर प्रिटी मच रिलैक्स, आपके वेल स्क्वेयर्ड शोल्डर्स हो, ठीक है, कंधे बिल्कुल ये इस तरह ना झुके हुए हो, आपके आर्म्स जो है बिल्कुल नेचुरल पोजीशन पे हो, एट ईज हो, मतलब सम टाइम होता है ना नीचे से टांगे कांप रही है, ऐसे 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 हम हाथ भी हिला रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आप अपने हाथ सामने या तो टेबल पे रख दें रिलैक्स होके, और पुट देम इन योर लैप, आराम से अपनी गोद में भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार ये नहीं कभी ऊपर रख रहे हैं, कभी नीचे रख रहे हैं, कभी आर्म चेयर्स पे रख रहे हैं, कभी इस तरह कर रहे हैं, वो जो एक कॉन्स्टेंट मूवमेंट है, शफलिंग्स है, दैट विल नॉट लीव अ सूदिंग इंप्रेशन। अच्छा, फिर आप कोई क्लम्बलीनेस नहीं दिखाएंगे, आप बिल्कुल अटेंटिव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे। समटाइम ये होता है कोई बंदे की आवाज जरा दूर से आ रही होती है, अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि आप इधर आए हैं, तो आप अगर कहेंगे अभी पूरा उसको सुना भी नहीं और अटेंटिवली नहीं सुन रहे, तो अगर आप ये कहते हैं सॉरी सर रिपीट योर क्वेश्चन, तो भाई आपके समझे 5 नंबर कट गए। अगर आप कहते हैं पार्डन सर, पार्डन मी सर, व्हाट डिड यू से, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन, वो कहेंगे भाई विजली इम्पेयर्ड का तो सेंस ऑफ हियरिंग इतना शार्प होता है, तो आप क्या, आपको समझ ही नहीं लगी, वो बता देंगे भले ही, लेकिन वो कोई अच्छा वो चीज नहीं है, ठीक है? आई कॉन्टेक्ट की जगह मैंने आपको बता दिया कि आप उस डायरेक्शन में बेस्ट पॉसिबल अपनी कोशिश करके देख रहे होंगे, और यूज योर हैंड जेस्टर्स नेचुरली, यस सर, इस तरह थोड़ा सा जिस तरह साइटेड फेलोज हैंड्स मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, नहीं पता तो सीखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एक जो बड़ा नंबर है बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड का, उनके साथ होता है, ठीक है? आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा जब आप बैठे हैं कि यार बंदा जो भी है अभी तो क्वेश्चंस करके ही वो पूरी असेसमेंट करेंगे, लेकिन ये इंप्रेशन उन पे स्ट्रेट वे चला जाता है कि बंदा जो है ना कॉन्फिडेंट बैठा हुआ है। ओके, फिर आप इतना भी आगे मत झुकें जवाब देने के, लीन फॉरवर्ड अ बिट जब आप आंसर दें, थोड़ा सा आगे हो, यस सर ये इस तरह से है, राइट तरफ से आया, राइट तरफ आपने डायरेक्शन की अपने फेस की, थोड़ा सा यू नीड टू लीन फॉरवर्ड, ये नहीं कि पूरा ही टेबल के ऊपर झुक जाना है, और अगर आपका कोई बंदा राइट या लेफ्ट में बड़ा क्लोज डिस्टेंस में बैठा है तो यू हैव टू अवॉइड इस यू नो अ सर्टेन क्लोजनेस, क्योंकि ये नहीं आप उसके बहुत ही करीब हो जाए, ठीक है? सिट अप स्ट्रेट बट कंफर्टेबली, आराम से बैठे, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में स्टिफनेस ना हो और ना ही आपके कंधे झुकने चाहिए, और लास्ट थिंग कि आपके जो पाँव है वो इस तरह नहीं क्रॉस लेग नहीं आपने बैठना कि जी टांग के ऊपर टांग रखी हुई है, कीप योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, ठीक है? और आपके हाथ विजिबल होने चाहिए, ये नहीं कि टेबल के अंदर करके घुसा लें आपके, और जहां तक फेशियल एक्सप्रेशन की बात है आप थ्रू आउट स्माइल करते रहेंगे, अगर आपको कोई लगा कि जी एकदम दिमाग में घंटी बजी है, थोड़ा टफ और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया, वहां पे भी आप जो है आप यू विल कंटिन्यू स्माइलिंग, फिर यू हैव टू नॉड ओकेजनली, जी सर एक क्वेश्चन चल रहा है ना, अच्छा जी आपने ये बताया ये इस तरह होता है, तो वो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आप इस तरह करेंगे, साथ सर हिलाएंगे हल्का हल्का, कि उनको आपने ये सेंस देना है कि ही इज बीइंग
डीपली अंडरस्टूड एंड डीपली हर्ड, आप उसको गौर के साथ सुन भी रहे हैं और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं. आपकी एक्सप्रेसिवनेस पूरी उधर होनी चाहिए, ठीक है, आपकी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, ठीक है. आपने हमारे तो माशाल्लाह वैसे ही हियरिंग बड़ी शार्प होती है, खास तौर पे जब काम की बात हो रही हो तो. लेकिन यह है कि आपने अपने सेंसेस को और ज्यादा शार्पन करके बैठना है. अच्छा, अब जी बारी आ जाती है वेरियस क्वेश्चंस की, ठीक है. कोई टफ क्वेश्चन आए, इट्स ओके टू टेक अ मोमेंट. ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, आप कहेंगे कि यार मेरी तरफ से अगर डिले हुआ तो वो कहेंगे कि इसको आता ही नहीं. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन खत्म किया, ओके, व्हाट कुड बी द मेन रीजन ऑफ दिस ऑन गोइंग रशियन यूक्रेन वॉर, ठीक है. अब आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता, या पता भी है, जैसे मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ है, व्हाट कुड बी द मेन रीजन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर, तो साथ सर एक्चुअली इन माय ओपिनियन दिस इज नो. ओके वेल सर, टू मी वन ऑफ द बेसिक रीजन कुड बी, यानी कॉन्फिडेंटली कंपोजर के साथ, ये नहीं कि जल्दी जल्दी करें और बहुत स्लो बहुत डिम वॉइस के साथ भी नहीं देना कि आपको उनको लगे कि जी ये शायद नर्वसनेस का शिकार है. अच्छा, फिर आपने ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्वेश्चन, यू नीड टू बी ऑथेंटिक. ऑथेंटिक का मतलब बी योर सेल्फ, ओवर नहीं होना, अपने क्रेडेंशियल जरूर बताएं, कन्विंसिंगली बताएं, सर मैं ये भी कर सकता हूँ, यस सर, अगर आपसे वो पूछते हैं पर्टिकुलर एरिया में आपकी स्किल्स हैं, कोई एक्सपीरियंस है, तो अगर तो आपका है आप उसको थोड़ा मैग्निफाई करके जरूर बताएं. लेकिन अगर कोई एक चीज नहीं है वो मत बताएं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहता है कोई कि अच्छा आपको एक्सेल में भी काम करने का एक्सपीरियंस है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो बी फेयर विद इट. क्योंकि अगर आप कहेंगे ना कि जी ओ यस सर आई हैव बीन वर्किंग इन एक्सेल फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो फिर अगर उन्होंने अगले को उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन कर लिए, अच्छा ये फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप इसके लिए, तो आप फंस जाएंगे, आपके पहले आंसर की भी निगेशन हो जाएगी और वो उनको पता भी लग जाएगा दैट यू हैव लाइड टू द पर्सन द इंटरव्यूअर. तो कभी भी आपने डिसऑनेस्ट नहीं होना, ठीक है, ऑनेस्ट रहना है, ऑथेंटिक रहना है विद योर आंसर्स, शो योर एंथुसियाज्म, हर जवाब में आपका एक जोश वलवला कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है, वो बड़ा जरूरी है. फिर जी बीइंग ए ब्लाइंड, अब आती है एक मेन स्टेज टू टैकल विद द ट्रिकी क्वेश्चन. हमारे लिए क्या होता है, हमारे क्रेडेंशियल्स पूरे हैं, हमारी क्वालिफिकेशन अप टू द मार्क है, जो रिक्वायर्ड क्राइटेरियाज है उसको हम मीट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है. एक क्वेश्चन दैट बॉदर्स अस द मोस्ट, इफ यू डोंट माइंड, हाउ विल यू डू इट विद योर विजुअल इम्पेयरमेंट, बिकॉज क्यों क्या होता है कि इंटरव्यूज डू हैव मल्टीपल डाउट्स रिगार्डिंग अस, खासतौर पर वो लोग, चले एक सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह हमारी नई सुबह है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड लोग काम करते हैं, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर देयर कैपेबिलिटीज. एक डोमेन ऐसा है कि जिसमें बड़ा कोई रेयर एम्प्लॉय होता है विद डिसेबिलिटी, भाई उसको किस तरह सेटिस्फाई करना है, वो कैसे कन्विंस हो कि अगर आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, चाहे वो विजन की लिमिटेशन है, चाहे वो आप फिजिकली चैलेंज है, या आपको कोई भी और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है, तो आपको उसको किस तरह कन्विंस करना है. तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चन लाइक दीज, ठीक है. अगर आप वहां फंस गए सर मैं कोशिश करूंगा, तो आप तो खुद ही श्योर नहीं है, तो उनको आपने क्या फिर कायल करना है, ठीक है. और उसमें फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये कहें कि सर मैं, अगर आप मुझे मौका दें मैं ये कर लूंगा, ऐसे नहीं, यू हैव टू कम अप विद द बैकअप यू नो प्लान कि आपने इस चीज में क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल अच्छा जी हमें तो ईमेल्स भी करनी पड़ती हैं, ईमेल चेक भी करनी पड़ती हैं, सर सो व्हाट, वी कैन डू एवरीथिंग, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, आप लैपटॉप साथ साथ जरूर रखें, बैग लेके जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाते साथ ही आप टेबल पे रख दें कि जी ये मेरा लैपटॉप है सर, मैं इस पे आपको भी करके दिखाता हूँ, सर इफ यू अलाउ मी आई कैन गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन, आई कैन चेक ईमेल्स इंडिपेंडेंटली, आई कैन ब्राउज द वेबसाइट्स. अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने तो सर ये करना होता है ये टूल, यस सर आई कैन यूज दैट टूल एज वेल विद द हेल्प ऑफ माई स्क्रीन रीडर, आप उसे हैरान कर दें, बेशक वो आपको नहीं कहेगा कि ठीक है लाइव टेस्ट दो डेमो दो, बट एक कन्विक्शन के साथ आपने ये करना है. फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ आपको, जिस तरह शुरू में भाई ने एक बात की थी, दैट इज
हाईली वैलिड पॉइंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस किस सॉफ्टवेयर और टूल्स आप आजकल तो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, हर तरह की एप्स हैं। वी कैन इवन गेट द इमेजेस रिकग्नाइज्ड, इमेजेस के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम पढ़ लेते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, मेडिसिन के जो चीजें प्रिस्क्रिप्शन होती है वो पढ़ लेते हैं, कलर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वी हैव मल्टीपल टूल्स, स्क्रीन रीडिंग प्रोग्राम, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, हमारे पास ऑफिस वर्क है, आप कैसे फाइल चेक करेंगे? सर सो वट, दिस इज माई आईफोन, दिस इज माई एंड्रॉयड फोन, सर जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी फाइल, आई कैन शो यू कि किस तरह मैं पिक लेके उसको पढ़ूंगा, उसको ग्रैब करूंगा, सो दिस इज हाउ आई कैन एक्चुअली गेट इट डन। तो आपको अगर फेमिलराइजेशन होगी, आपका पहले तो अपना खुद का नॉलेज होगा इन सारे असिस्टिव डिवाइसेस, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्स के साथ और उनके यूजेज के साथ, तो ही आप उनके आंसर्स को टैकल कर सकेंगे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप को मेंटेन करके जाना, प्रिपेयर करके जाना, और टू गिव देम द कन्विंसिंग आंसर्स कि इसका ये अल्टरनेटिव है, इसका ये। अच्छा सर, वो कहता है कि हम आपके घर से इतना दूर है, आप आएंगे कैसे, ट्रांसपोर्ट पे इशू नहीं होगा? नो सर, दिस इज द एज ऑफ राइडिंग सर्व, यू नो, राइड हेलिंग सर्विसेज, आई कैन बुक एन ऊबर, क्रीम सर, मैं खुद ही करता हूँ इंडिपेंडेंटली, मेरे डोर स्टेप पे वो आ जाती है कन्वेंस और मैं आ जाता हूँ, नो इशू एट ऑल। आई हैव बीन ट्रेंड इन मोबिलिटी ट्रेनिंग सर, आई यूज माई वाइट केन। तो मतलब इन सारे और भी काफी चीजें हैं, वी आर एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स या नोट्स भी चाहिए हो, आई कैन बी रीच्ड लेटर ऑन, यू कैन ड्रॉप मी ई मेल। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जानते होंगे, या आप नई सुबह से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इसके ऊपर, आई कैन इवन प्रोवाइड यू द डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स, टिप्स एंड टेक्निक्स एंड ऑल दैट। तो ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, लास्टली सम अप करते हैं जी, हम कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो कि सबसे ही ऑलमोस्ट हो रहे होते हैं, और उसको आपने, उसके लिए भी प्रिपेयर होना है, ठीक है? उसमें किस तरह से मेन होता है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। अब तक हमने बात की, कॉन्फिडेंस अपना डिस्प्ले किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, अपनी स्ट्रेंथ बताई, अपने हमने जो है प्लस पॉइंट्स बताए, हमारी डिग्रीज क्वालिफिकेशन उनके सामने है, हमने अपने स्किल्स की डिस्क्रिप्शन दे दी, उनके रिजर्वेशंस दूर कर दिए, वी हैव गिवन आवर बेस्ट पॉसिबल, ठीक है, कि उनका माइंडसेट हमारी तरफ से बिल्कुल वो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन अगर हमें ये आ गया कि जी क्वेश्चन व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, तो आपने ये नहीं कहना सर नो आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव एनी काइंड ऑफ वीकनेस, बिकॉज़ नोबडी इज परफेक्ट, इवन द इंटरव्यूअर इज नॉट परफेक्ट हिमसेल्फ। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मैं सब चंगा ही है, कुछ ऐसा माड़ा है ही नहीं। नो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बट यू डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है? तो आप उसे कहेंगे सर आई थिंक आई एम एट टाइम्स अनएबल टू कीप अप माई पेस विद द ग्लोबल डेवलपमेंट्स, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। यानी आपने ऐसी वीकनेस बतानी है कि वो वीकनेस आपके डायरेक्ट उस पोजिशन, उस प्रोफेशन के साथ ना जुड़ी हुई हो, ठीक है? आपने ये कह देना है कि सर मैं थोड़ा सा, मैं ये समझता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि ये चीजें भी होती हैं, या मेरी वीकनेस ये है कि मैं थोड़ा सा लेयर टाइम के लिए घूमने फिरने कम जाता हूँ। यानी वो ऐसी आपने अपना एक शॉर्टकमिंग बता दी जिसका डायरेक्टली आपकी उस जॉब की परफॉर्मेंस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है इसको टैकल करने का, ठीक है? फिर आप, व्हाई शुड वी हायर यू ओवर समवन एल्स, आप क्यों समझते हैं कि हम बाकियों को छोड़ के आपको हायर करें, ठीक है? तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस फिर विल कम इन टू प्ले। आप कहेंगे सर बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ मोस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब, आई कंसिडर माई सेल्फ वेल सुटेड फॉर दिस पोजिशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट। वो आप उसको तीन चार कन्विंसिंग चीजें गिनवा देंगे, ठीक है? लास्टली आप ये क्वेश्चन, अगर तो आपने प्रीवियस जॉब की है, उनके लिए काफी ट्रिकी होता है कि व्हाई डिड यू क्विट योर लास्ट जॉब, ठीक है? आपको एक सॉलिड रीजन देनी होती है कि आपने क्यों अपनी जॉब छोड़ी है। तो आप ये नहीं कहेंगे, क्योंकि समटाइम उनके माइंड में ये डाउट होता है कि मे बी यू हैव बीन फायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब। आप ये कह सकते हैं सर बिकॉज वो आउट ऑफ सिटी थी, तो मुझे फैमिली वजह से अपने सिटी में चाहिए। अगर वो सिटी के अंदर ही जॉब है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर आई जस्ट वॉन्ट टू परस्यू विद माई कैरियर, मैं एक जगह पे अपने आप को स्टैटिक फील करता हूँ, सो आई जस्ट नीड टू कीप कंटिन्यू विद माई प्रोफेशनल जर्नी। तो इस तरह कह के आप फिर थैंक्स कहेंगे, यू विल हैव टू शो योर ग्रेटिट्यूड,
आप शुक्रिया कह के, थैंक्स कह के, बड़ा वार्मली एक पॉजिटिव नोट के ऊपर एग्जिट करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ चीजें, कुछ छोटे छोटे पॉइंट छोड़े भी हैं, लेकिन मेजर ये चीजें हैं हमारी प्री इंटरव्यू स्टेज से लेके इंटरव्यू के टाइम पे, उस दिन की, उस ओवरनाइट की, और हम जो है इंटरव्यू के ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमारा क्या कंडक्ट हो, हमारा एग्जिट कैसा हो। नाउ वी ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन, 10 मिनट्स में हम कुछ क्वेश्चन वगैरह लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको वाइंड अप कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी इतने ज्यादा देर के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद जुहेब मुखातिब हूँ सरगोधा से। सर कैसे हैं आप? ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही? सर आप, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही? ब्रो आपकी आवाज आ रही है सर, का अपना माइक म्यूट पर है। आवाज आ रही है आप? आवाज जी गो ऑन प्लीज। रही है? सर मैंने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से बीएस उर्दू किया, अभी मैं फ्री हुआ हूँ। मैं सर जानना चाह रहा हूँ कि मेरा प्लान है कि मैं पंजाब कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस में, जब तक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं आती थी पीपीएससी, तो मैं वहाँ काम करूँ। तो सर इस मोस्टली ब्लाइंड पर्सन से सवाल किए जाते हैं कि आप पेपर किस तरह चेक करेंगे, तो सर इस हवाले से एक विल इम्पेयर्ड क्या जॉब होना चाहिए? ओके, देखिए हमारे पास या तो एग्जाम्पल्स ना ना हो, मैनी लेक्चरर्स आर यू नो ऑलरेडी इन द सेक्टर, मैं खुद भी कॉलेज जी लेक्चरर हूँ, ठीक है। जनरल एजुकेशन में पेपर चैलेंज का ज्यादा होता है। चले मैं अगर विजली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को डील करता हूँ, मैं तो सॉफ्ट कॉपी में या ब्रेल में असाइनमेंट्स या पेपर चेक कर लेता हूँ। बट यू कैन से कि सर हमारे पास स्कैनिंग सॉफ्टवेयर हैं, आई कैन यूज द असिस्टेंस ऑफ स्कैनर, और आई कैन इवन, क्योंकि देखो जो टीचर्स जो लेक्चरर्स होते हैं वो पेपर्स अक्सर घर ले जाते हैं या ऑफिस में बैठ के चेक करते हैं, तो इन दैट बिल्कुल केस यू कैन इवन से कि सर आई आई कैन गेट द असिस्टेंस ऑफ समवन, वन ऑफ माय कुलीग, वन ऑफ माय स्टूडेंट, तो मैं उस तरह कर सकता हूँ। और प्लस हमारे पास अब इस तरह के टूल्स मौजूद हैं कि हम पेपर रीड कर सकते हैं, हम इमेजेस लेके चेक कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा एनवायरमेंट हो, जिस तरह यूनिवर्सिटी में तो टीचर्स जो हैं, जो साइटेड टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो भी बच्चों को कह रहे होते हैं कि जी ये असाइनमेंट आप मुझे ईमेल कर देना, तो उन्हें कहेंगे सर, आई बिल्कुल आई ट्राई टू एक्सेप्ट द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट्स इन सॉफ्ट मटेरियल, ताकि मैं उसको अपने स्क्रीन रीडर्स के साथ जो है वो इजिली मैनेज कर सकूं। तो इस तरह की तीन चार कम से कम इसके वो पॉसिबल आंसर्स हैं, तो आप उन्हें ये कह के सेटिस्फाई कर सकते हैं और उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर वो कहें डेमो दे सकते हैं, और उन्हें बता भी सकते हैं कि इस तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड लेक्चरर्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बेशुमार हैं, बहुत ज्यादा हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, सो आई सर। कैन डू द सेम। जी नेक्स्ट। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, जी सर मेरा नाम, जी जी वन बाय वन प्लीज। सर मेरा नाम इरफान है, मर्दान से बिलोंग करता हूँ। जी जी इरफान, सर मेरा बुनियादी क्वेश्चन आपसे ये था कि एनुअल सिस्टम में और अभी जो रिसेंटली नया ट्रेंड चला है बीएस सिस्टम का ना, मैं खुद बीएस कर चुका हूँ, जी तो इसमें जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया रखा जाता है, तो मैंने खुद चूंकि अभी इस सिस्टम का इंटरव्यू दिया नहीं है, लेकिन तैयारी कर रहा हूँ, उम्मीद है इसमें। तो मैंने सुना है कि इसमें जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, तो बाज़ औक़ात लोग इसकी तैयारी कर लेते हैं और वो पूछना शुरू कर देते हैं अपने बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है उसमें से, या फिर बाज़ औक़ात इंसान ने अगर प्रोजेक्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया होता तो फिर इसमें लोग फंसाते। प्रोजेक्ट पे वो है, लेकिन अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो कि इसमें ज्यादा फोकस किस पे होता है, तो जरा शेयर देखो कर लीजिएगा हमारे साथ। समटाइम्स जो शुक्रिया। इंटरव्यू होता है ना, वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आप उसको खुद बताते हैं, तो वो उससे मुतल्लिक ही पूछता है। लेकिन ये आपकी बात सही है, देखें जिस तरह आपने बीएस किया है, तो उसमें हमारा जो है एक जो दूसरे सेमेस्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो थ्रेटिकली भी चल रहे होते हैं, और लास्ट में आगे हम रिसर्च करते हैं, थीसिस करते हैं,
जो बीएस डिग्री है ना, उसमें जो आपका थीसिस है, जो रिसर्च है, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, समझे कि वो 80% इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो हैं ही है ना। वो तो उनको डिग्रीज भी सामने पड़ी हुई नजर आ रही हैं कि आपने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए हैं, इसमें इतने लिए हैं। जो आपने रिसर्च की होगी, जो आपका थीसिस वर्क होगा, उससे रिलेटेड आपको ज्यादा प्रिपेयर रहना, और ज्यादा चांस ये होते हैं कि वो उसी डोमेन के अंदर पूछेंगे कि अच्छा भाई पहले क्या शॉर्टकमिंग्स थी, आपको क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, आप क्या समझते हैं, या विद ये रिसर्च या विद दिस प्रोजेक्ट व्हाट न्यू थिंग यू हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर, या आपने क्या इसमें ऐसा कोई नई डायमेंशन डिस्कवर करने की कोशिश की है। तो आपको उसी के साथ अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जो है वो अप टू द मार्क रखना है। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सर, क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम देने चाह रहे हैं बीएस, इंग्लिश किया हुआ है और इंग्लिश का इंटरव्यू है हमारा जी बीपीएससी, एक साइड पे उर्दू का है, एक साइड पे शामिया आद का है, ऐसी जी ड्रेसिंग सेंस हो सकती है कि जो सब पे अप्लाई हो जाए, या ये चीज मैटर नहीं करती? सॉरी सॉरी, आप फिर से कहिएगा, आपकी थोड़ी आवाज थोड़ी सी रगड़ हो रही थी। आई रिपीट माय क्वेश्चन जी अगेन। जी मैंने कहा कि जिस तरह मुख्तलिफ सीट्स के लिए इंटरव्यू होते हैं, यस यूपीएससी यस की पोस्ट आई यस है इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए आई है, इस्लामिया के लिए आई है, क्या ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करते हैं? फॉर यस एग्जांपल बिल्कुल, जिस जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप इंग्लिश लेक्चरर के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप उसमें ड्रेस शर्ट ड्रेस पैंट में जाएं। वो ऐसा नहीं है कि सलवार कमीज में आप रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है, अगर आपका सब्जेक्ट इस्लाम में आता है, तो इट्स बेटर कि आप कोई अच्छा सा एक जो शलवार कमीज है, एक फॉर्मल ड्रेस जो उसका होता है, वो आप अच्छे तरीके से उसमें खुद को सर, मैनेज कुछ ऐसा करते हो रहिए। सकता है कि एक ड्रेस सब इंटरव्यू पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, कुछ आप ऐसा बिल्कुल भी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो सकता है, उसमें आप फॉर्मल ड्रेस जो है पैंट शर्ट वो भी पहन सकते हैं और शलवार कमीज भी पहन सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके कॉरपोरेट सेक्टर का कहीं आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी बैंक में, किसी कंपनी में, किसी मल्टीमीडिया कंपनी के अंदर वगैरह वगैरह, तो वहां पे आप फिर जो है शलवार कमीज को बस अवॉइड करेंगे। ऑल दो दिस इज आर कल्चरल ड्रेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे जो ट्रेंड्स होते हैं वो सम टाइम तो उधर अलाउ भी नहीं होता शलवार कमीज पहनना, इसलिए। क्वेश्चन किया कि जिस तरह वो आप कह रहे थे पेपर चेकिंग की पीछे बात हुई, उनका किस जी तरह करेंगे हम, तो वहाँ पे जी अगर आ जाते हैं कुछ जैसे हमारे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर हैं, वो जी कॉलम जी वगैरह करते, तो इसका जी क्या हल हो सकता? स्क्रीन रीडर का क्या आप कह रहे हैं? मतलब स्क्रीन, हम किसी पेज की पिक किए, पेज हाँ, जो है वो कॉलम्स वगैरह हो या पिक्चर अब रहे, तो वो स्क्रीन देखें बिल्कुल, जब जब जिसमें टेबुलर फॉर्म में आता है उसमें थोड़ा इशू होता है, क्योंकि वो उसको स्कैटर्ड कर देता है, वो आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब उसके भी कुछ ना कुछ मैंने सुना है एप्स आ गई हैं जो इवन टेबल को भी एज इट इज प्रॉपरली डिटेक्ट कर सकते हैं, और फिर अगर कुछ इस तरह के रेयर केसेस आ भी जाते हैं, तो देखें वी कैन गेट द असिस्टेंस ऑफ फ्रेंड, समवन एट अ होम, वन ऑफ फ्रॉम थ्रू वन ऑफ आर फैमिली मेंबर्स, उनको हमने यही कहना कि ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खुद ही करूंगा, चाहे मैं उसमें अपने स्पेशल टूल्स करूं और आई सीक द एडिशनल असिस्टेंस, लेकिन मैं इसको कर रहा हूंगा इंडिपेंडेंटली। जी थैंक यू। जी टू मोर क्वेश्चंस। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर कि हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कब किया करें, जब एक बात चल रही है सम टाइम हम कन्वर्सेशन के दौरान ही अपना क्वेश्चन शुरू कर देते हैं कि एक्सक्यूज मी आई हैव अ क्वेश्चन के गाइड कर। हाँ नहीं, आप उन्हें करने दें, अव्वल तो ऑब्वियसली वी आर देयर टू आंसर देयर क्वेश्चन, हमने को क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन सम टाइम हाँ ये जरूर होता है कि आपको कोई क्यूरियोसिटी, कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो आप बिल्कुल एंड में करेंगे, जब वो अपने क्वेश्चन से दे विल बी डन विद इट, ठीक है, आपको वो को कह दें थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव, थैंक यू फॉर कमिंग एंड फॉर द इंटरव्यू, तो आप उनको जब थैंक्स वगैरह कहेंगे, तो फिर आप कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू नो दिस एंड दैट, जो भी फिर आपका क्वेश्चन हो वो आप उस वक्त करेंगे। लेकिन उनके क्वेश्चन के दौरान बेशक एक बंदे का क्वेश्चन खत्म हो गया, आपने आंसर दे दिया, उस वक्त नहीं आप करेंगे कि सर आई हैव टू समथिंग टू आस्क फ्रॉम यू, ठीक है, उस वक्त नहीं आप करेंगे, सब लोगों को क्वेश्चन करने दें, जब आपको वो थैंक्स कह देंगे उस वक्त जाते हुए आप एग्जिट करते हुए लाइक यू कैन कम अप विद योर क्वेरी, हो आपको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, या जो भी आपका क्वेश्चन हो, दैट इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू आस्क द क्वेश्चन टू द पैनल, या सर ये एक और पूछना हो कि क्वेश्चन सर कब पूछने की तक परमिशन है? रिजल्ट आ जाए। जी जी बताएं।
अच्छा सर, मैंने एक बात नोट की है, एक इंटरव्यू में जाने का इत्तेफाक हुआ है जो कि मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन काफी एक्सपीरियंस गेन किया उसमें। मैंने एक एक्सपीरियंस ये गेन किया कि जब इन लोगों को ये बात लगे ना कि जो 4-5 लोगों का पैनल बैठा होता है, हाँ तो एक क्वेश्चन जब वो कर ले और इनको पता लग जाए कि ये बंदा इसके जवाब देने पे आ रहा है, तो जैसे ही ओके okay. वो बंदा 2-3 लाइनें बोलता है तो बीच में वो कट करके अगला क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं अगला बंदा। तो एक तो इस तरह से जो इन लोगों ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया होता है, तो बाद वक्त आधा भी क्वेश्चन नहीं हुआ होता और अगला नहीं, क्वेश्चन वो पोस्ट मैं कर उसकी लिया रीजन जाता है। बताता हूं, दे डोंट डू इट डिलिबरेटली. आप देखें, फॉर एग्जाम्पल, मैं इंटरव्यू में गया हूं, मेरे से क्वेश्चन हुआ है कि जी आप क्या जानते हैं इस पर्टिकुलर प्ले के बारे में या नॉवल के बारे में, या वो कहते हैं कि जी एक सैमुअल बैकेट का फेमस प्ले है, अक्सर वो इंटरव्यूज में पूछते हैं उसके बारे में, वेटिंग फॉर गॉडट, ठीक है, तो उसमें क्या है? ओ, मैं कहता हूँ, यस सर, राइट, दिस इज इंडीड अ वेरी पॉपुलर प्ले सर, इन विच बेसिकली जो राइटर है सैमुअल बैकेट, ही हैज एक्चुअली ट्राई टू कन्वे द मीनिंगलेसनेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, बिकॉज आप उसमें जो करेक्टर है वो ये कर रहा है, वो ये, जब मैं 2-3 लाइन बताऊंगा ना, उसको फॉरन क्लू मिल जाएगा कि यार इस बंदे को पता है. वो फिर अभी मैं बोल ही रहा होता हूं तो समटाइम वो कहेंगे ओके फाइन, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. वो उनकी क्विक जजमेंट होती है कि मुझे पता है या नहीं पता, ठीक है, और समटाइम ये भी होता है कि मैं गलत बता रहा हूं फिर भी वो मुझे टोक देंगे उनको, क्योंकि वो उनको ये भी जज हो जाता है कि वेदर आई एम टेलिंग द राइट आंसर और रॉन्ग, ठीक है. तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी बात सुने, क्योंकि समटाइम्स मैं उसमें बात से बात निकाल के मैं 2-3 मिनट में, 4 मिनट में उनके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे पास फुल नॉलेज भी है. मैं कहता हूँ यार क्या बात है, इसमें मैं पूरा स्किल दिखा के तो मैं जो है वो इनको इंप्रेस करूंगा. तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स टू डील विद, तो इसलिए वो मुझे 1 मिनट बाद टोक देंगे सून आफ्टर दे जजमेंट कि यार इस बंदे को पता है या इस बंदे को नहीं पता. जी अच्छा सर, लास्ट उस बारे क्वेश्चन. में जी हमारे जी जो जी 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 बोले. सर हमारे जो प्रोफेसर है वो ये कहते हैं कि आप अपने क्वेश्चन में क्लू छोड़ा करें ताकि वो आपके अपने ग्राउंड पे वो आपके साथ लगे रहे, मतलब आप आंसर दे रहे हैं तो आप उस आंसर में कोई ऐसा क्लू छोड़े कि वो उसमें से अगला क्वेश्चन निकाले, तो ये टेक्निक हाँ किस तरह बिल्कुल, का है? वो भी होता है, जिस तरह जी अगर मैंने कह दिया कि जी मैं इनसे चाह रहा हूँ कि जी उन्होंने मेरे से फॉर एग्जांपल विक्टोरियन एज नॉवल का पूछा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझसे वो जो पोइट की एक रोमांटिक मूवमेंट चली थी जिसमें ये सारे पीबी शेले, जॉन कीट्स वगैरह थे, इस लाइन पे आया यार इस एरिया का मुझे बड़ा अच्छा तरह मैंने स्टडी की है, तो मैं कहीं ना कहीं एंड में ये कह दूंगा ये, सर जस्ट लाइक रोमांटिक एज, इसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है ये वो. अच्छा, वो कहेंगे अच्छा रोमांटिक एज में क्या था, फिर उस तरफ आ जाएंगे, फिर आप कहेंगे आ जाओ भी अब मैं बताता हूँ वो क्या, फिर वो आप उधर करेंगे, फिर आप उससे आगे चलते हुए कहेंगे कि यार जो मॉडर्न ड्रामा था जिसमें जीबी शॉ वगैरह ये सारे थे उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स मैच करते थे, उसका भी मुझे अच्छे तरीके से पता है, तो कहीं ना कहीं कर देंगे सर थोड़ा बहुत इसकी सिमिलैरिटी मॉडर्न एज ड्रामा के साथ है जब हम उसमें देखते हैं, तो कहेंगे अच्छा मॉडर्न ड्रामा में कैसे है, तो फिर आप उसे बताएंगे. वो एक टेक्निक होती है वाकई के उसको उन लाइन्स पे लेके जाना कि जहां पे आप समझते हैं कि यू कैन यू नो कम अप विद योर बेस्ट आउटपुट. जी हमारे पास टाइम खत्म हो गया, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज, वन लास्ट क्वेश्चन. सर मैंने एक चीज फील किया कि जितने इंटरव्यू की या प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन की जाए ये उतना अच्छा नहीं हो पाता बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जितना ड्रेसिंग सेंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे या फिर नहीं, मैंने वही कहा ना कि तो आपको ओवर कॉन्शियस नहीं होना कि जी आपके पास देखें कपड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए, अच्छे तरीके से इस्त्री हो, शूज आपके साफ हो, ड्रेस कॉम्बिनेशन ठीक हो, बाकी आप अपने मटेरियल के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, अगर आपकी प्रेजेंटेशंस वगैरह है ठीक है, क्योंकि वो भी एक मैं समझता हूँ जो यूनिवर्सिटी में अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, कॉन्फिडेंटली देता है, उसका इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने का भी चांस ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी सर कम्युनिकेशन इवॉल्व हो रही होती है, आपका कॉन्फिडेंस वो इन प्रैक्टिस होता है, आप हेजिटेशन वाले मोड से बाहर निकल जाते हैं, तो जाहिर है ये स्टूडेंट्स के साथ होता है, एक एक साल 2-2 साल भी लगते हैं, बट कीप प्रैक्टिसिंग,
हर बार नेक्स्ट टाइम पिछले से कुछ ना कुछ 5% इम्प्रूव करने की कोशिश करें, एंड देन फाइनली द टाइम विल कम के जब आप देखेंगे कि अब काफी मैसिव इम्प्रूवमेंट आ गई है. ठीक है जी, विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन. आई होप कि कुछ इसमें जो हमने डिस्कशन की पॉइंट्स को स्टडी किया, दिस विल टर्न आउट टू बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू, एंड आई बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू कि आपके जो भी अपकमिंग फ्यूचर गोल्स हैं, प्रोफेशनल परसूट्स हैं, उसको लेके मे अल्लाह गिव यू द सक्सेस. थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू कमिंग सर, एंड ज्वाइनिंग द सेशन. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू जी, एंड इन द एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से थैंक्स टू. सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू, सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे को फेलोज का भी बहुत शुक्रिया, मिस्टर शबीर साबिर साहब का, मिस अनम का, जिन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, फैसिलिटेट किया. सो थैंक्स टू नई सुबह ऑल्सो. ओके, बेस्ट ऑफ लक, एडवांस ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज. एडवांस ही. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह ओके, हाफिज. अल्लाह हाफिज. अभी पास